बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैंने ब्लैक कलर का सूट तैयार किया है। ये ब्लैक कपड़ा था डोरिये का, जिसके अंदर बारीक सी लाइनिंग होती है और ऊपर मैंने मल्टी और सिल्वर मिक्स करके उसका काम किया है। फ्रॉक है ये एक, ये देखें पेटी के ऊपर मैंने वही दरमियान में मैंने लेस लगा दी है मल्टी शेड में, जो शीशो वाली लेस हर कलर में बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। और ये मल्टी ब्लैक के ऊपर बहुत प्यारा लगता है। और आगे मैंने प्लीट डाले हैं, प्लीट के ऊपर ये मैंने लेस लगा दी है, फिर साइडों पे मैंने ये डोरी बना दी है। इससे चाहे तो आप फिटिंग भी कर सकते हैं, और अगर फिटिंग नहीं भी करते तो ये देखने में भी ये बहुत प्यारी लगती है और स्टाइलिश लगती है। तो बाजुओं को देखें, ये मेरे पास नेट थी एक, बहुत बारीक थी, दुपट्टा भी खैर यूज़ हो जाता है, लेकिन दुपट्टे के साथ मैंने थोड़ा सा मैंने फ्रॉक के ऊपर भी इसका काम नेट का कर दिया है। ये देखें बाजुओं पे मैंने लगाई है इस तरीके से, और साइडों पे मैंने वही मल्टी लेस लगा दी, और आगे मैंने मल्टी ही समोसा। ये देखें तो बाजू इस तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये जैसे आजकल बच्चियों की स्कूल में पार्टीज होती है, या आगे ईद है, या कोई भी छोटी बर्थडे वगैरह, कोई इस तरह के छोटे मोटे फंक्शंस आते हैं फैमिली में, तो ये इस तरह के सूट पहने हुए बड़े अलग थलग और डिसेंट से लगते हैं, और ये बन भी बहुत सस्ते जाते हैं। मैं आपके लिए हमेशा ऐसा ही डिज़ाइन लेकर आती हूँ जो आपके लिए सस्ता भी हो और बनाना भी आसान हो। और ये मेरी ऐसी बहनें भी बना सकती जिनको थोड़ी बहुत स्टिचिंग भी आती है या थोड़ी बहुत कटिंग भी आती है, वो भी ये इस तरह के डिज़ाइन देकर उनको आसानी से कॉपी कर सकती है और अपनी ड्रेसिंग घर पे ही कर सकती है। क्योंकि आजकल सिलाई तो इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा सूट ले लेता है तो सोचता है कि अब स्टिचिंग कैसे करवाएं और सिलाई कैसे दें, जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं। तो आप कोशिश किया करें कि इस तरह के सिंपल डिज़ाइन देकर खुद ही अपने ड्रेस स्टिच कर लिया करें, और ऐसे करते करते आपकी इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी और आपको स्टिचिंग भी आ जाएगी। तो ये देखें नीचे भी मैंने वही लेस लगा दी है। ये डिज़ाइन बहुत आसान है, और मैं हमेशा आपके लिए आसान डिज़ाइन ही लेकर आती हूँ, जो हमारे घरों में आम पहने जाते हैं और सिंपल भी होते हैं और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद इसका ट्राउज़र देखें, ट्राउज़र को मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, क्योंकि जब बाजुओं पे भी इतना हैवी डिज़ाइन था और नीचे भी मैंने समोसा लेस लगा दी थी, तो इसलिए अगर मैं ट्राउज़र के ऊपर भी कुछ करती तो वो ज़्यादा भड़कीला सा और ज़्यादा हैवी सा बन जाता, तो लिहाजा मैंने जो इसका ट्राउज़र है वो बिल्कुल ही सिंपल बनाया है। ये देखें, क्योंकि इसके नीचे सिंपल ही ट्राउज़र अच्छा लगना था। तो देखें कितनी प्यारी लुक लग रही है इसकी, सिंपल कटिंग हुई है इसकी। इसके नीचे भी कुछ नहीं लगाया और प्लीट्स वगैरह कुछ भी नहीं इसको मैंने डाले। और दुपट्टा देखे इसका, जैसे बाजुओं के ऊपर मैंने वो लगाई थी पट्टी, उसी का यही दुपट्टा इसके साथ मैच कर रहा है और प्यारा भी लग रहा है। अगर हम इसके साथ वाइट दुपट्टा बनाते, सॉरी ब्लैक दुपट्टा बनाते, या मल्टी शेड में दुपट्टा लेते, तो वो उसके साथ उसकी इतनी अच्छी लुक नहीं आनी थी जितनी इस दुपट्टे के साथ आ रही है। तो इसके साथ ये बड़ा प्यारा लग रहा है, और ये पहना हुआ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आपको भी ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया है या अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस ईद पर ट्राई करें अपने लिए, और मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ड्रेसिंग अच्छी लगी है या आपने अपने लिए बनाया है या नहीं। तो मैं मज़ीद इस तरह की और अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए आती रहूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।